अब हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक को पहले समझते हैं कि हमको क्या करना है। किसी एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम लेके आते हैं तो उस चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग दो केसेस करने वाले हैं। पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंगल चार्ज के लिए निकालते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी जब किसी एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू। ठीक है, यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी, इसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करता हूं किसी चार्ज को पकड़ के लाता हूं कहां पे, यहां तक इन्फिनिटी से पकड़ के यहां पे लाया। इन्फिनिटी से पकड़ के क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि किसी भी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से पकड़ के अगर आप किसी पॉइंट पे लाएंगे तभी जाके वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं मान लेता हूं किसी स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के यहां पे लाया। क्लियर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया। मैं मान लेता हूं कि ये जो सोर्स चार्ज है इसके रेस्पेक्ट में ये चार्ज का जो पोजिशन है ये मैं मान लेता हूं से आर। ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड जो सोर्स चार्ज है इससे कितने डिस्टेंस पे या कितने पोजीशन वेक्टर पे लोकेटेड है, आर। ठीक है, कहां से लाया था उसको पकड़ के मैं, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से जब पकड़ के मैं यहां पे लाया तो कितना वर्क डन करना पड़ा वो मेरे को निकालना है, क्योंकि वही वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा फॉर ए सिंगल चार्ज। तो बाई डेफिनेशन पता है मेरे को कि बाई डेफिनेशन वी नो दैट कि वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, ये क्या होगा तुम्हारा वर्क डन विल बी नथिंग बट ये कितना होगा Q इनटू पोटेंशियल। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था V, और मैं ये मान लेता हूं कि अगर ये r डिस्टेंस पे लोकेटेड था उसको इस तरीके से ब्रैकेट में अपन डिनोट करेंगे कि पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r, तो मैं मानूंगा वर्क डन विल बी नथिंग बट Q इनटू Vr। क्लियर है हमको, क्योंकि किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पता था, इट इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट आर। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू द क्यू चार्ज, जिसके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के इस पॉइंट पे ला रहा हूं जो कि आर डिस्टेंस से लोकेटेड है। तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन विल बी नथिंग बट दिस पर्टिकुलर चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस एट ए डिस्टेंस आर, या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। सो दिस विल बी द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू अगेन इन द ब्रैकेट आर, यू एट ए डिस्टेंस आर विल बी नथिंग बट क्यू इनटू वीआर। सो दिस इज वॉट वी नीड टू कैलकुलेट। एकदम ईजी था कि जब भी हम चार्ज को पकड़ के लाएंगे तो कुछ नहीं करना, चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी। ये किसके केस में था पोटेंशियल एनर्जी, सिंगल चार्ज के लिए। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है जब मैं ये सेम केस को सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए करता हूँ, तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा। देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको निकालना पड़े, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी मेरे को सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले वो लॉजिक समझते हैं। क्लियर है, तो मैं क्या करता हूं, अगेन मैं मान लेता हूं कि एक एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये डेफिनेशन मानता हूं कि पहले एक चार्ज क्यू को पकड़ के लाया इन्फिनिटी से, जिसका पोजीशन वेक्टर था कितना आर वन। सिमिलरली दिस इज क्यू वन चार्ज, क्योंकि मैं दो चार्जेस की बात कर रहा हूं, तो क्यू वन चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के इस पॉइंट पे लाया जिसका पोजीशन वेक्टर आर वन था। सिमिलरली मैं दूसरे चार्ज क्यू टू को पकड़ के लाया, अगेन कहां से लाया इसको, इन्फिनिटी से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था आर टू। दिस इज आर वन, दिस इज आर टू। ठीक है, अब मेरे को कोई पूछे पूरे इस सिस्टम के लिए तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो ध्यान देना कि यहां पे कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक लॉजिक आपको समझाता हूं, एक एनालॉजी आप याद रखना कि फॉर एग्जांपल एज्यूम यू आर इन ए स्कूल। ठीक है, नाउ कि देयर इज ए प्रिंसिपल कैबिन, प्रिंसिपल का कैबिन होता है सेपरेट, प्रिंसिपल कैबिन में प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल कैबिन को मैं कंपेयर कर रहा हूं सोर्स चार्ज से। किससे कंपेयर कर रहा हूं उसको, सोर्स चार्ज से।
अब हुआ क्या कि आपका कोई फिजिक्स टीचर जब उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल सर के कैबिन में जाएगा तो वो क्या पूछेगा वहां पे, मे आई कम इन सर। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंसिपल सर को ग्रीट करेगा, गुड मॉर्निंग सर। क्लियर है? तो यहां पे जो पहला चार्ज इंटर किया वो कौन था, तुम्हारे टीचर, जो फिजिक्स टीचर था वो कौन सा था, Q1 चार्ज। जब वो इंटर किया तो ग्रीट किसको करना पड़ा उसको, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सर को। अब हुआ क्या कि अचानक से तुमको अभी कुछ काम पड़ गया प्रिंसिपल कैबिन में, सर ने तुमको यह बुला लिया, ठीक है। तब क्या हुआ कि जब तुम कैबिन में इंटर करोगे मैं कमिंग सर बोलते हुए, तो वहां पर ग्रीट किसको किसको करोगे तुम, प्रिंसिपल सर भी है वो भी तुम्हारे सर है, और जो तुम्हारे फिजिक्स टीचर है वो भी तुम्हारे सर है। तो यहां पे तुम्हारा इंटरेक्शन किन दो लोगों से हो रहा है, प्रिंसिपल सर से भी और टीचर से भी। तो पहले आपने ग्रीट किया प्रिंसिपल सर को, गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद अपने खुद के फिजिक्स टीचर को, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो जब सेकेंड वाला चार्ज आएगा उसको दो लोगों को ग्रीट करना पड़ेगा, बट जब फर्स्ट चार्ज गया था उसको सिर्फ सिंगल प्रिंसिपल सर को ग्रीट करना पड़ा था। तो यही तुमको लॉजिक समझना है यहां पे, इसका जो ग्रीटिंग है यानी कि जो गुड मॉर्निंग बोल रहा है Q2 चार्ज, वो किसको किसको बोल रहा है, वो प्रिंसिपल सर को भी बोल रहा है और इस चार्ज को भी बोल रहा है, यानी कि तुम्हारे टीचर को, फिजिक्स टीचर को भी। तो ये इंटरेक्शन जो होते हैं वो दो वे हो जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम यही लॉजिक काम करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब मैं पहले वाले चार्ज को यानी कि अपने फिजिक्स टीचर को पकड़ के इन्फिनिटी से लाया, तब इसको कितना वर्क डन करना पड़ा था, दिस विल बी नथिंग बट Q1 VR1 एज पर दिस लॉजिक जो हम लोगों ने सिंगल चार्ज के लिए निकाला था। सिमिलरली जब मैं खुद अंदर गया था, जब मेरे टीचर ने बुलाया था, तो पहले तो प्रिंसिपल को ग्रीट किया, तो प्रिंसिपल को ग्रीट करते टाइम मेरा सेम लॉजिक रहेगा, Q1 VR2, इतना वर्क डन मैंने करा। लेकिन जब मैंने अपने फिजिक्स टीचर को ग्रीट किया तो यहां पे क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इसके बेस पे मैं क्या निकालूंगा, वर्क डन। एंड दैट वर्क डन विल बी नथिंग बट, यानी कि अगर मेरे को यहां पे क्या करना है, ये वर्क डन यहां था, ये वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे थी, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे थी, इन दोनों के बीच में जो हम लोग का क्या निकलेगा, वर्क डन निकलेगा, दैट विल बी नथिंग बट 1/4πε0। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन, मैं मान लेता हूं ये R1 वेक्टर या R2 वेक्टर है, तो दोनों को जोड़ने वाला वेक्टर है R12 वेक्टर। दिस विल बी दी वर्क डन बिटवीन दिस टू। व्हाई? ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू, द कूलम्स फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दिस टू। तो अगर मेरे को कोई बोला जाए कि टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, it will be nothing but work done in assembling the charges। और total work done मेरे को कितना पड़ रहा है assemble करने में charges को, पहला work done करना पड़ रहा है मेरे को Q1 VR1 जब मैं मेरे टीचर आए कहां पे, प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल को ग्रीट किए, प्लस दूसरा वर्क डन किसने किया, मैंने किया प्रिंसिपल के लिए Q1 VR2, प्लस तीसरा वर्क डन कहां हुआ, मैंने अपने टीचर को ग्रीट किया तब, यानी कि दिस विल बी नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12। दिस इज अगेंस्ट द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एनोलॉजी के साथ याद रखोगे तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा और ये लॉजिक इजिली दिमाग में बैठ जाएगा। So this is all about the potential energy of a single charge and potential energy for system of two charges।